लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल बीजेपी के नए पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने आज मुंबई और पनवेल में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और जनता का आशीष लिया। केंद्रीय मंत्री ने अपनी यात्रा की शुरुआत उरण से की, जहां उनके साथ विधायक महेश बाल्दी खासतौर पर मौजूद रहे। पनवेल पहुंचने पर विधायक प्रशांत ठाकुर ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करने के बाद आगरी भवन में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने आज मुंबई के पनवेल और उरण में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की और जनता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर और विधायक प्रशांत ठाकुर ने पनवेल में उनका सत्कार किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर हार पहनाकर उनका अभिवादन किया, जिसके बाद उनका कारवां आगे बढ़ गया। इससे पहले जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत विधायक महेश बाल्दी के विधानसभा क्षेत्र उरण से हुई थी, जहां की जनता का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने पनवेल का रुख किया। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने आगरी कोली भवन में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लिया और मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने सबका साथ सबके विकास का नारा दोहराते हुए प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं के अनुरूप एयरपोर्ट नामांतरण कराए जाने का भरोसा भी दिलाया। आइए सुनाते हैं कपिल पाटिल ने क्या कुछ कहा। काल ठाण्यापासून सुरू झालेली जन आशीर्वाद यात्रा कल्याणला तिचा कालच्या दिवसाचा समारोप झाला। रात्री आम्ही अलिबागला आलो, रात्री सकाळी 10 वाजल्यापासून अलिबागपासून सुरू झालेली यात्रा आता पनवेलमध्ये आलेली। इथून आम्ही उरणला जासईला जाणार आहोत। प्रचंड प्रतिसाद सगळ्या भूमिपुत्रांचा ह्या यात्रेला मिळत आहे। खरं तर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या संकल्पनेतनं ही जन आशीर्वाद यात्रा फक्त आपल्या ठाणे आणि रायगडमध्येच नाही तर संपूर्ण देशामध्ये निघालेली आहे। मागासवर्गीय असलेल्या ओबीसी समाजाला 27 मंत्रिपदं दिली, एससी समाजाला 12 मंत्रिपदं, एसटी समाजाला 8 आणि ह्या सगळ्यामध्ये 11 आमच्या भगिनी, अशा प्रकारे सर्वसमावेशक असं भारताचं मंत्रिमंडळ मोदीजींनी बनवलं। आणि म्हणून त्यांची संकल्पना अशी होती की ज्यांच्यामुळे तुम्ही या ठिकाणी आलात त्या जनतेचा आशीर्वाद घेण्यासाठी तुम्ही घरी जाण्याच्या पूर्वी गेलं पाहिजे, आणि
जनतेच्या प्रति आशीर्वाद घेऊन कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे। मी कालपासून फिरत आहे, निश्चितपणाने लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात येऊन आशीर्वाद देतात की त्या आशीर्वादाने आम्ही सगळेच भारावून गेलेलो आहोत। म्हणून ही जनता आम्हाला आशीर्वाद तर देतेच, पण मोदीजींच्या विचारांना ही सलाम करते की मोदीजींनी मला मंत्रीपद देऊन खऱ्या अर्थाने ठाणे जिल्ह्याचा 74 वर्षाचा वनवास संपवला। खऱ्या अर्थाने दिवाना श्रद्धांजली द्यायची असेल तर या नवी मुंबई एअरपोर्टला त्यांचं नाव दिलं पाहिजे अशी भूमिपुत्रांची ठामपणाने मागणी आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। इस दौरान पूर्व सांसद रामसेठ ठाकूर, विधायक प्रशांत ठाकूर और विधायक महेश वालदी ने केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल के साथ साथ जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट नामांतरण के लिए पहल करने पर और मोदी सरकार की विकास नीतियों को जन जन तक पहुंचाने शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा को भी उपयोगी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।